नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो के साथ में। आज महिंद्रा का 575 ट्रैक्टर एक्सपी प्लस है, इसका एक बार फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका रिव्यू करने का कारण ये है कि इसके अंदर नए 5 बदलाव आए हैं, जो कि सबसे बड़ा बदलाव हाइड्रोलिक के अंदर क्या है। और यहाँ जो शिव शक्ति ऑटोमोबाइल्स मोदीपुरम के अंदर जो हम एजेंसी पर पहुँचे हैं, यहाँ ये ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर अवेलेबल हुए हैं, जो कि बड़ी मशक्क़त के साथ में किसानों के लिए एक सबसे बड़ा वरदान बनाया गया है। अब तक महिंद्रा ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक यूवो महिंद्रा के अंदर आती थी, वो ही हाइड्रोलिक इस ट्रैक्टर के अंदर कर दी गई है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक के सेंसिंग पॉइंट है। और भी ट्रैक्टर के अंदर तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, तो जानकारी देने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं वीडियो के अंदर। तो हमारे ये 575 DI XP प्लस जो है भैया, ये एक वरदान साबित हो रहा है हमारे क्षेत्र में। क्यों? एक तो जो पहला ट्रैक्टर हमारा था 45 HP का ट्रैक्टर था, ये 47 HP में है, जिसका मैक्स टॉर्क पहले जो है वो 18% था, नहीं बैकअप टॉर्क जो है पहले 18% था, अब 23% है, ठीक है जी। और इसकी सेंसिंग जो है हाइड्रोलिक की, वो हमारी 575 यूवो की है, जो सेंसिंग में अभी तक किसी भी कंपनी में इतनी सेंसिंग नहीं मिल पाने की, ये मेरी गारंटी है, आप देख लेना। और साथ में इस ट्रैक्टर का खर्चा जो बोलते हैं उसे मैक्स टॉर्क बोलते हैं, वो हमारा 10% लगा हुआ है, जो कि इसके तेल को कम करता है। हमारा तेल का जो एवरेज रहेगा वो जो पहले वाले 575 का है वो ही रहेगा। तो किसान भाइयों, मैक्स टॉर्क लगाने के बाद ट्रैक्टर को मैंने टेस्टिंग किया है। हाँ। मैं आपको कुछ स्क्रीन पे वीडियोस दिखा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल परफॉर्मेंस के साथ में मैंने खुद ट्रैक्टर को ड्राइव किया, ट्रैक्टर बहुत अच्छा चला, हाइड्रोलिक भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप ट्रैक्टर खरीदने हेतु भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, अन्यथा जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उससे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर, आप जो ट्रैक्टर के इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ अलग से जो बदलाव मैं बताता हूँ, इसके बदलाव ये है, एक तो इसका जो है कॉन्स्टेंट मैक्स गियरबॉक्स क्या है, जो और हमारे पहले ट्रैक्टरों में आता था, जो लोगों को शिकायत थी कि भाई आवाज़ करता है, वो आवाज़ बिल्कुल बंद है अब। और दूसरी चीज़ ये है, पहले की हाई और दूसरी लो, पहले की हाई ज़्यादा की है पहले वाले 575 से, और 500 पहले वाले 575 से दूसरे की लो कम की है, कि रोटावेटर बेहतरीन चलाता है। और ये एक पहला ट्रैक्टर कहूँगा मैं तो, जो पहले की हाई भी चलाता है, अगर लंबा खेत होगा तो दूसरे की हाई भी चलाएगा, ये टॉप की लो में भी चलेगा, और ये तीसरे की लो में तो दोनों लीवर नीचे डाल दो आप, कोई ट्रैक्टर का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, सेंसिंग इतनी बेटर है। आप आँख मीच के इसे आप बिल्कुल टेस्टिंग करें और इसे लें। दर्शक भाइयों, जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसमें लगभग 6 लोग हाइड्रोलिक के ऊपर खड़े हुए हैं ट्रैक्टर के, कल्टीवेटर के, और दोनों लीवर डाउन करके चला रहे हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ट्रैक्टर की चल रही है, और ट्रैक्टर की 6 साल की गारंटी है। गारंटी के साथ में जो गारंटी के फीचर्स हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जी। गारंटी में इसकी वारंटी मैं आपको बताता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 साल की वारंटी है इसकी। 6 साल की ट्रैक्टर इतिहास में अभी तक किसी के पास 6 साल की वारंटी नहीं है। खेत में जुताई में प्लस, तेल में प्लस, और काम में प्लस, और ट्रैक्टर का कोई जवाब नहीं है, 6 इसके वो हैं। दोस्तों, ट्रैक्टर की स्पीड बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। मैंने ट्रैक्टर को बहुत बार ड्राइव किया, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि ट्रैक्टर की टेस्टिंग की है, ट्रैक्टर की स्पीड में बहुत सुधार है। ट्रैक्टर के अंदर जो मेन मकसद था किसानों को हाइड्रोलिक अच्छा देने का, वो महिंद्रा ने कमाल कर दिया। तो पहली बार ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी हाइड्रोलिक आई है जिसे आपको मेटा वाली हाइड्रोलिक को भी घना पीछा छोड़ दिया। आप ट्रैक्टर का टेस्ट ड्राइव लें तभी खरीदें, मैं आपको सजेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रैक्टर 100% पसंद आएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो है XP प्लस जो है हमारा ये जी। इसके टायरों को भी एडजस्टेबल ब्रेक बोलते हैं। आलू बोने वाले भाई अगर इसको कम उस पर 2-2 इंच अगर कराना चाहें तो 2-2 इंच टायर भी कम हो जाएंगे, आलू की खुदाई के लिए भी और बुआई के लिए भी। अच्छा, ये पहली बार आया है, पहले ये 265 में आता था, लेकिन ये इसमें XP प्लस में भी आ गया है। दोस्तों, आप फ्रंट टायर फ्रंट एक्सल को एडजस्टेबल कर पाते थे पहले, हाँ। इसका बैक एक्सल भी आप बैक टायर भी घुमा के लगाएंगे, बड़ा कर सकते हैं। उसके साथ में आपको हाइड्रोलिक की तरफ एक नज़र लेके चलता हूँ। ये जो हाइड्रोलिक है ये हमारी यूओ वाली हाइड्रोलिक है, जो पहले हमारे यूओ में आती थी वही हमारे 575 XP में आई है जी। इसकी सेंसिंग इतनी बढ़िया है कि लाजवाब। आलू बोने वाले भाइयों से मेरा नम्र निवेदन किसान भाइयों से कि इसे एक बार चला के जरूर देखें।
हाथ जोड़ के विनती है। तो आप देख सकते हैं, मैं पास करने की कोशिश करता हूँ। जो इसके अंदर आपको सेंसिंग वॉल दिए गए हैं, उसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन सेंसिंग के दिए गए हैं। आप उससे सेंसिंग को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, यानी कि अगर आप सीड ड्रिल वगैरह चला रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में चला सकते हैं। अगर आप कंट्रोल वाली एप्लीकेशन ट्रैक्टर के ऊपर यूज़ करते हैं तो आप कंट्रोल वाली नीचे की तरफ चला सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी कंट्रोलिंग आती है। इसमें डबल सिलेंडर कंट्रोलिंग वाल दिए हुए हैं, जिससे ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए इंजन में जो क्षमता इंजन को लगातार अपनी उचित क्षमता बनाने के लिए प्रतिक्रिया करती रहती है, वो हाइड्रोलिक इस ट्रैक्टर के अंदर लगाई है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप तक वही जानकारी, वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको सर से जानकारी दिलवाई आपको कैसा लगा एक बार इनके बारे में भी कमेंट करना। और हमारा महिंद्रा का 575 XP प्लस का जो नया वेरिएंट है, जिसकी हाइड्रोलिक चेंज करके आपके सामने हम लेके आए हैं, जो कि YouTube पे एक पहली वीडियो है, आप इसके और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको जैसा भी ये वीडियो लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें, हम आपके कीमती फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। महिंद्रा का जो 575 DI XP प्लस है जी, पहले वाले जो ट्रैक्टर थे हमारे 45 HP के थे, ये 47 HP का ट्रैक्टर है। अच्छा, और इसका कोई तोड़ या कोई किसी का वो नहीं है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, जिसे कहते हैं, कुछ किसान भाई पूछना चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर की डीजल कंजप्शन कितनी है। डीजल कंजप्शन इसकी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो देखो ट्रैक्टर स्टार्ट रहेगा उसकी कोई वो नहीं होती, ट्रैक्टर का जो एवरेज निकाला जाता है पर बीघे पे निकाला जाता है जी। मेरी गारंटी है 800 से 900 ग्राम तेल में एक बीघे को दो बार हैरो और टीलर से जोतेगा। अच्छा, 800 से 900 ग्राम जी। और रोटावेटर पे 800 से 900 ग्राम एक बीघे को। 7 बिस्से वाले की बात कर रहा हूँ मैं जी। मैं 5 बिस्से वाले की नहीं, 7 बिस्से वाले की बात कर रहा हूँ। किसान भाइयों, अगर आप उचित तरीके से ट्रैक्टर को चलाएंगे, ठीक ट्रैक्टर की HP और एप्लीकेशन के अनुसार सही तरीके से ट्रैक्टर को खेत के अंदर चलाएंगे तो काफी अच्छा चलेगा। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करना। आया है भैया, इसकी जो हाइड्रोलिक होती है, कोई भी ट्रैक्टर हो अगर हाइड्रोलिक खराब हो गई तो उसका टापा ठाना पड़ता है। हाँ जी। इस ट्रैक्टर में 575 XP प्लस में ये टापा ठाने की जरूरत नहीं होती। ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बाहर की तरफ दिया हुआ है, यही 4 बोल्ट खेलने पड़ेंगे और आपकी यहीं से हाइड्रोलिक सही हो जाएगी। ये आज तक के इतिहास में मुझे तो लगता नहीं क्योंकि पहले कभी कोई ट्रैक्टर में ऐसा कुछ बदलाव आया हो, यानी कि अब टापा खोलने की टापा खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। टोटल ट्रैक्टर ही सील्ड रहेगा 2000 रेटेड RPM के साथ में। बहुत ही अच्छा सराहनीय ट्रैक्टर है। और ये